ओम शांति। आज के युग में हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, सफलता को प्राप्त करना चाहता है और उसी के लिए उसके सारे पुरुषार्थ होते हैं। भले सफलता की परिभाषा जीवन में समय प्रति समय बदलती रहती है, एक बच्चे की जो सफलता होती है वो युवा अवस्था आने पर बदल जाती है, एक विद्यार्थी की जो सफलता की परिभाषा होती है वो बड़े होने पर कोई बिजनेस में लगने के बाद बदल जाती है। तो जीवन में सफलता की परिभाषा समय प्रति समय बदलती रहती है, परंतु सफलता हम उसी को कहेंगे कि जहां पर व्यक्ति जो भी पुरुषार्थ करता है, जो भी मेहनत करता है, उसमें जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति से उसको तृप्ति की महसूसता कई गुना अधिक हो, तब कहेंगे कि हाँ, हमने जो पुरुषार्थ किया, हमने जो अपनी मेहनत की उसमें हम सफल हुए। तो सफलता हर एक इंसान, बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, हर एक प्राप्त करना चाहता है और इसी के लिए ही वो जीवन की जो चक्र चलता है वो उसी आधार पर चलता रहता है। परंतु सफलता प्राप्त करने के आधार कहो या विधि कहो, कौन सी है कि जिस विधि को अपनाने से यथार्थ मेहनत उस दिशा में उसको ले जा सकती है। विधि तीन है कि जिस तीन विधि को अपनाने से व्यक्ति सहज सफलता स्वरूप हो सकता है। पहली विधि है कि जहां कहा जाता है दृढ़ता में सफलता, जो भी संकल्प करता है, जो भी प्राप्त करना चाहता है उसके प्रति उसका एक दृढ़ संकल्प हो, और दृढ़ संकल्प अकेला काफी नहीं है, उस दृढ़ संकल्प में उसका दृढ़ विश्वास हो। जब ये विश्वास के साथ संकल्प करता है तो वो उस आधार से सफल होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प से सफलता कैसे प्राप्त होती है? जैसे कहावत में भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। तो संकल्प से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ कि कोई भी बात जब हमारे संकल्प में आती है तो वो संकल्प में कैसे आती है? कोई ना कोई पूर्व स्मृतियां हमारे मन के अंदर होती है कि जिन स्मृतियों के आधार पर संकल्प शुरू होता है। अगर स्मृति में वो बात नहीं है तो संकल्प उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, या वो बात असंभव से लगती है कि ये चीज असंभव है। लेकिन स्मृति में कोई भी बात कहां से भी देखी हुई है, सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, अनुभव की हुई है, तो वो स्मृति के माध्यम से उसके मन के अंदर संकल्प को उत्पन्न करती है कि जो संकल्प आगे चल करके वो मानसिक स्थिति वैसी उसकी तैयार कर देती है, एक भूमिका तैयार कर देती है कि कैसे करना है। जैसे कोई भी कार्य करने के लिए अगर व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो करना ही है ये सोचने के बाद स्मृति में से किस प्रकार से करना चाहिए वो सारी बातों को वो निकालता है और उसके आधार पर एक मानसिक भूमिका उसकी तैयार होती है कि जिन मानसिक भूमिका के माध्यम से फिर उसकी मनोवृत्ति तैयार होती है कि हाँ, मुझे करना ही चाहिए और यही करना होगा, ऐसे ही करना होगा। और जब ये बात उसके वृत्ति में चली जाए तो वृत्ति शब्द निकला है वृत्त अर्थात के जो चक्र है, तो वो हमारे भीतर उस प्रकार का एक चक्र शुरू कर देता है कि कैसे करना चाहिए, और उस आधार से वो मनोवृत्ति जैसे बनी है वैसे फिर हर बात में हमारा दृष्टिकोण बन जाता है कि जो भी बात हम देखते हैं उसी दृष्टिकोण से हम देखने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इस प्रकार से करने से मेहनत हमारी सफल हो जाएंगी, ऐसे करेंगे तो
तो ऐसा हो सकता है। तो अनेक प्रकार के दृष्टिकोण को हम धीरे धीरे सोचने लगते हैं और उसी के आधार पर हम करने जाते हैं। तो कहने का भावार्थ कि संकल्प तो कई बार हम ले लेते हैं कि ये संकल्प हमें प्रैक्टिकल करना ही है या ये संकल्प ऐसे ही पूरा होना ही चाहिए, ये तो हम सोच लेते हैं। लेकिन अगर स्मृति में कुछ पुराने अनुभव ऐसे हैं, पूर्व अनुभव इस प्रकार से अंदर में ग्रंथि के रूप में बंधे हुए हैं कि जहां हमें कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा हो या कई ऐसी बातों का सामना करना पड़ा हो जो बहुत ही कठिन है, तो स्मृति वो संकल्प को ढीला करने लगती है, नहीं नहीं ऐसे करने से पिछली बार भी यही अनुभव हुआ था। तो भले हम संकल्प ले लिया लेकिन उसके बाद करने में वो समर्थ ही डेवलप जो करनी चाहिए, वो बांधनी चाहिए अंदर में, वो बन नहीं पाती है क्योंकि स्मृति उसको सपोर्ट नहीं दे रही है। पिछले अनुभव के आधार पर उसको जैसे रोकने की कोशिश करती है, उसके कारण मानसिक भूमिका हमारी बनती नहीं है और वो भूमिका जब बनती नहीं है तो मनोवृत्ति भी ढीली हो जाती है कि कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करने से तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो समाधान की बातों को सोचने के बजाय, पॉजिटिव या सकारात्मक बातों को सोचने के बजाय प्रॉब्लम की बातों को ज्यादा सोचने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा करने से तो ऐसा ही होगा, ये हो ही नहीं सकता है, कोई साथ देगा ही नहीं, और इस प्रकार हमारी मनोवृत्ति के अंदर, वो व्रत के अंदर उल्टा चक्र चलने लगता है। उस कारण जहां भी देखेंगे तो वो दृष्टिकोण हम अपना नहीं पाते हैं और इस प्रकार किया हुआ संकल्प ढीला हो जाता है या हम पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इसलिए सफलता हासिल नहीं होती है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात कि दृढ़ता में सफलता है। जो संकल्प हम करते हैं उसमें एक विश्वास, और वो विश्वास स्वयं की सामर्थ्य के अंदर, अगर नहीं भी होगा तो वो विश्वास ऐसी चीज है जो पैदा कर देता है सामर्थ्य को, और उस आधार पर व्यक्ति कर लेता है, बाद में कहेंगे पता नहीं कैसे हुआ, बाकी करना तो असंभव सा लग रहा था, लेकिन वो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास के कारण ही ये संभव हो गया। तो ये पहली विधि है, दृढ़ता में सफलता या दृढ़ संकल्प के माध्यम से सफल हो जाना। दूसरा तरीका है जो सफलता को प्राप्त करने का, वह है कि जो भी हमारे पास सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो भी हमारे पास सूक्ष्म शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त हुई है परमात्मा से, वो शक्तियों को सफल करना। जब कोई भी कार्य करने में हम दूसरों को सुख देते हैं तो वो सुख हमें भी सफल बना देता है, क्योंकि परमात्मा से हमें कई सूक्ष्म शक्तियां खजाने के रूप में प्राप्त है। जैसे संकल्प की शक्ति तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ समय, श्वास, शक्तियां, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, समय की शक्ति, अनेक प्रकार की शक्तियां हमारे पास प्राप्त है, और ये सारी शक्तियों को अगर सही दिशा में अर्थात उसका सदुपयोग करते हैं, तो सदुपयोग करने से जब दूसरों को सुख मिलता है तो वो सुख की फीलिंग जो दूसरों को प्राप्त हुई, उससे चाहे न चाहे वो दिल से दुआएं उसके अंदर से निकलती है, तो ये दुआएं हमें अपने कार्य में मदद रूप हो जाती है। तो भले जो हमारी सूक्ष्म एनर्जी है उसको उस दिशा में लगाने से उसका अनुभव किसी को प्राप्त हुआ, उससे किसी के मन को तसल्ली मिली, किसी के मन को शांति मिली, किसी के मन को सुख मिला, भले और कुछ नहीं, लेकिन हमने कोई दो वचन ही ऐसे कहे कि जो दो वचन से किसी आत्मा को सुख शांति का अनुभव हुआ, तो उसके मन से उस समय दुआएं निकल जाती कि बहुत अच्छा किया आपने मुझे ये चीज बताई, नहीं तो कैसा होता था। तो भले हमारी सूक्ष्म शक्ति वाणी की उसने किसी आत्मा के मन को सुख दे दिया,
तो हमने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया और वो शक्ति का सदुपयोग होने से वो आत्मा के दिल की दुआएं प्राप्त करने के पात्र बना देती है। तो आज हमारे पास जितनी भी ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, संबंध की शक्ति, किसी को साथ देने की शक्ति, किसी की भलाई सोचने की शक्ति, अनेक प्रकार की ये सूक्ष्म शक्तियां हैं जो आज दिशाहीन हो करके अनेक व्यर्थ कार्य में लगती जा रही है। और इसीलिए जब व्यर्थ और नकारात्मक दिशा में लगती है तो किसी आत्मा को दुख देने के निमित्त हो जाती है, और वहां पर जब किसी को दुख मिलता है तो उसके मन से वो दुआएं नहीं निकलती है और वो बद्दुआ का काम करने लगती है, जिसके कारण किया हुआ कार्य संपन्न होने पर आया होता है लेकिन उस समय किसी की बद्दुआ की फीलिंग ऐसी निकलती है जो वो बना हुआ कार्य हाथ से चला जाता है और उसमें सफलता प्राप्त करने के बजाय असफलता को हासिल कर लेता है व्यक्ति। तो कहने का भावार्थ, परमात्मा से वरदान रूप ने जो हमें सूक्ष्म शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है, वो सूक्ष्म खजाना हम क्यों नहीं सकारात्मक दिशा में उसको लगाए, उसका सदुपयोग करें और दूसरों को सुख दे। दूसरों को सुख देना माना स्वयं को सुख देना होता है। जैसे कहा जाता है, सुख दो तो सुख मिलता है, दुख देते हैं तो दुख की प्राप्ति होती है। ये कर्म का सिद्धांत तो हर एक आत्मा अच्छी भाली भांति जानता है कि कोई भी कार्य जैसा हम करते हैं वैसा ही रिटर्न रूप में आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में वो प्राप्त अवश्य होना है, क्योंकि जो बीज बोया है वो बीज तो अवश्य प्राप्त होना है। तो क्यों नहीं उसको सकारात्मक अच्छी दिशा में लगाएं, और अच्छी दिशा में लगाने से किसी आत्मा की भलाई हो जाती हो तो उससे वो शक्तियां जो हमारी सफल हुई उससे सफलता प्राप्त करना सहज हो जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है दुआओं की शक्ति। जो कार्य कर्म नहीं कर सकता है, जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता है, उसकी शक्ति नहीं कर सकती है, वो दुआ की शक्ति कर सकती है। और इसीलिए लोग भगवान के पास भी जाकर के क्या मांगते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर दुआ कर दो, कृपा कर दो, ये बार बार मांगनी करते रहते हैं। तो ये दुआएं सहज रूप से अगर हासिल हो सकती हो, मनुष्य से हासिल हो सकती हो, जब मनुष्य से प्राप्त है तो ईश्वर तो सदा ही हमारे ऊपर प्रसन्न होगा ही। तो उससे हमारे ऊपर नेचुरल वो दुआओं का हाथ, कृपा दृष्टि या कृपा का हाथ हमारे सिर पर अनुभव होता है। तो सफल करने से सफलता प्राप्त हो सकती है, ये दूसरी विधि है। और तीसरी विधि है कि वर्तमान युग में, जो युग एक तीव्र परिवर्तन की गति वाला युग है, ऐसे युग में हमें कुछ न कुछ सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है, क्योंकि सिद्धांतों में बल होता है कि जिस बल के माध्यम से कोई ना कोई इंसान सफलता प्राप्त करना उसके लिए सहज हो जाता है। दुनिया में जितने भी सफल इंसान हुए हैं उसके जीवन कहानी में अगर पढ़े तो उसके जीवन कहानी में कोई ना कोई ऐसा सिद्धांत अवश्य होता है कि जिस सिद्धांत के माध्यम से सफलता उसने प्राप्त कर ली है। एक छोटी सी दृष्टांत की बात याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी गांव में गए और हरेक लोगों को कहा कि आज से कोई ना कोई अपने जीवन में दृढ़ संकल्प या कोई एक ऐसा सिद्धांत अपना लो कि जिसको करने से कम हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। कोई भी सिद्धांत को अपना लो। एक बेचारा गरीब व्यक्ति था, खेती करता था, उसने सोचा मैं क्या सिद्धांत अपनाऊं, कौन सी ऐसी बात अपने जीवन में अपना लो, अब महात्मा जी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा संकल्प। तो इसलिए उसने मन में एक ही संकल्प ले लिया कि चलो मैं पड़ोसी के घर का जो आदमी है उसका मुंह देख करके खाना खाऊंगा और कुछ नहीं। और हर रोज वो पड़ोसी के
मालिक का मुख देखता था और फिर जाकर के खाना खाता था। इतना ही सिद्धांत तो उसने अपने जीवन में अपना लिया। भले था तो एक बहुत साधारण सा, कोई उसमें बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन उसका मुंह देखकर कि मुझे खाना नहीं खाना चाहिए, खाने उसका मुंह नहीं देखा तो खाना नहीं खाना चाहिए। तो एक दिन वो पड़ोसी जो था वो खेत में गया हुआ था और खेत में जब खेती कर रहा था, वो जमीन को खेड़ रहा था, उस समय वहां उसको एक बहुत बड़ा खजाना प्राप्त हुआ। अब वो खेड़ने के साथ साथ जैसे उसको खजाना प्राप्त हुआ तो वो चारों तरफ देख रहा था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, उसको मैं गाड़ देता हूँ और फिर रात को आकर के ये सारा खजाना ले जाऊंगा, नहीं तो गांव वाले पीछे पड़ जाएंगे और ये खजाना मेरे हाथ में नहीं आएगा। और उसी समय वो भोजन का समय हुआ था तो वो पड़ोसी उसको ढूंढता हुआ गया कि जरूर वो खेतर में ही होगा, आया नहीं है, खेतर में ही होगा, तो जाता हूँ और खेत में जा करके देखता हूँ कि वो वहां पर उसका मुंह देख करके बस आ जाता हूँ। तो देखा और दूर से उसने देख लिया उसका मुंह और उस समय वो जमीन में गाड़ रहा था। तो वो पीछे जब देखा मालिक ने, अरे ये तो देख लिया मुझे, तो वो उसको हाथ कर रहा था ठहरो ठहरो, तो कहा नहीं नहीं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब उसने तो मुंह देखा था, उसने खजाना तो देखा नहीं था, लेकिन फिर वो पड़ोसी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और उसको कहता है, नहीं नहीं तुम किसी को बताना नहीं, हम आधा हिस्सा तेरे को दे देंगे इसमें से। तो कहा किस बात का आधा हिस्सा? बोला तुमने देखा ना? बोला क्या देखा? तो कहा तुमने खजाना, मेरे को खजाना प्राप्त हुआ है और वो खजाने में से आधा हिस्सा तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना नहीं। तब उसको लगा कि देखो महात्मा जी ने एक छोटा सा संकल्प लेने की बात कही थी और मैंने यही साधारण संकल्प ले लिया था कि उसके मुंह देखे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, और ये मुंह देखने का एक संकल्प ये मुझे अगर आधा खजाना प्राप्त कराता है स्थूल में, तो अगर मैं कोई बड़ा संकल्प करूं जीवन में तो मुझे कितनी प्राप्ति हो सकती है, मेरी आत्मा की कितनी उन्नति हो सकती है, जीवन में कहां से कहां मैं पहुंच सकता हूं। ये उसी समय उसकी आंखें खुली। कहने का भावार्थ, सिद्धांत में कोई भी एक सिद्धांत जीवन में हो, लेकिन सिद्धांत में बल होता है, जो प्राप्ति न करा ये हो नहीं सकता है। ये तो एक छोटा सा दृष्टांत था, लेकिन इस दृष्टांत के बल के आधार से भी अगर देखें कि दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हुए हैं उसकी महानता का आधार क्या रहा, महानता का आधार हमेशा कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं। राजयोग भी हमें जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत जो सहज है और सरल है, करने में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे सिद्धांत को प्राप्त कराता है या ऐसे सिद्धांत को पालन करने की शक्ति देता है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में भले साधारण जीवन जी रहा हो लेकिन उसमें भी उन्नति को प्राप्त कर सकता है, अच्छाई उसके जीवन में स्वतः आने लगती है। तो सिद्धांत वो शक्ति है जिसमें एक जीवन का आधार बन जाता है और उस जीवन के आधार में काफी उन्नति व्यक्ति कर सकता है, काफी ऊंचाई को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जितनी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहे वो ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। आज दूसरे व्यक्ति भी सिद्धांत वाले व्यक्ति के सामने सामना नहीं कर सकते हैं। हाँ, आज की दुनिया में ये कहा जरूर जाता है कि जो सिद्धांतों पर चलता है उसको दुखी होना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है, वो जरूर बात है, लेकिन वो परीक्षा तो उसके सामने आएंगी ही। अगर संकल्प लिया हो और उसके सामने परीक्षा न आए तो कैसे पता चले कि हम अपने संकल्प में या अपने सिद्धांत में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसलिए परीक्षा व्यक्ति के जीवन में जरूर आती है, लेकिन वो परीक्षाएं उसको और भी अनुभवी बना देती है कैसे उस सिद्धांत को आगे करना चाहिए। और परीक्षा भी इसीलिए आती है कि कहां कहां वो सिद्धांत में भी अपनाने में कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो वो कमी को पूरा करने के लिए वो परीक्षा बनकर के सामने आती है ताकि वो सिद्धांत हमारा संपूर्ण रूप में जीवन में उसका उपयोग हो सके या उसका प्रयोग हो सके, ताकि कहीं पर भी वो कोई कमी व्यक्ति के जीवन में महसूस न कराए। उसी के आधार पर सफलता को प्राप्त करना है। जैसे कोई आधार अपनाया हो लेकिन आधार में कहां कोई कमजोरी हो और हमें मालूम ना हो तो
टूट पड़ सकता है, गिर सकता है इंसान, लेकिन अगर मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर ये कमी है तो वहां पर एक्स्ट्रा हम साधन लगाएंगे, एक्स्ट्रा हम मजबूती देंगे ताकि हम अगर उसके ऊपर चढ़े भी तो हम सफल हो सकते हैं। तो इसलिए कहने का भावार्थ है कि हम अपने जीवन में सिद्धांत को ऐसा आधार बना दे कि जिस सिद्धांत में अगर कोई परीक्षा आए भी तो वो परीक्षा हमें और आगे बढ़ाने का आधार बन जाती है, क्योंकि ऐसे तीव्र परिवर्तन के युग के अंदर यही आगे चलकर के काम आने वाली चीज है। बाकी जो असाधारण तरीके अपनाते हैं या सिद्धांत बिना के तरीके अपनाते हैं, उन सब के आधार टूटने लग पड़ेंगे, और जब ऐसे टूटते समय मनुष्य को सहारा का साधन या एक तिनके का सहारा जो अनुभव करना होता है वो उन सिद्धांतों से ही प्राप्त हो सकता है। नहीं तो समय ऐसा है और समय इस प्रकार का आता जाएगा कि जहां पर व्यक्ति को जबरदस्ती भी कोई ना कोई बातों को अपनाना होगा सिद्धांत के रूप में, कि जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को चला सके, नहीं तो उसका सफल होना असंभव हो जाएगा, जीना असंभव हो जाएगा। और इसलिए आज की दुनिया में अगर देखते हैं कि जहां व्यक्ति भीतर से भी कमजोर होता है, जीवन में कमजोरी के आधार अपनाए हुए होते, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं होता है तो बस वो आत्महत्या ही कर लेता है और कोई उपाय नहीं सूझता है उसके मन के अंदर। लेकिन अगर सिद्धांत होता है तो वो इतनी शक्ति देता है, इतना विल पावर हमारे अंदर बढ़ा देता है कि जो व्यक्ति का आगे बढ़ते ही जाना प्रैक्टिकल हो जाता है और उसके लिए संभव हो जाता, और तब वो ऐसे सफल होकर के उभरता है कि असंभव परिस्थितियों में भी जैसे सफल हो गया, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, साध लिया, और उसके माध्यम से उसके जीवन में सदा खुशी, उमंग, उत्साह, आनंद बना रहता है। और यही जीवन जीने की एक विधि है कि जहां सफलता को प्राप्त करना है तो ये तीन विधियों के माध्यम से सहज प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।